से नजरियात आप पढ़ेंगे, ठीक है? उन्हीं में ठीक से है। फिलोसफी ऑफ लॉ में आज पहला टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं कि लीगल राइट्स क्या होते हैं। वैसे तो हमें ये पता है ना कि जिसे बाय लॉ प्रोटेक्शन दी गई है, बाय लॉ रिकग्नाइज किया जा रहा है, और अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते तो उसकी आपको इन रिटर्न उस रॉन्ग कमिट करने के नतीजे में या वायलेशन करने के नतीजे में आपको पनिश किया जाता है। यही है ना लीगल राइट्स। जी बिल्कुल। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, इंट्रोडक्शन, इन्फोर्स बाय कोर्ट, रिकग्नाइज बाय लॉ एंड कोर्ट, लाइबिलिटी टू बी फुलफिल्ड अदरवाइज कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ राइट्स, पनिश फॉर कमिटिंग रॉन्ग, राइट टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड। मतलब जहाँ पर राइट्स हैं वहाँ साथ साथ आपकी ड्यूटीज भी हैं। जैसे कि अगर किसी ने किसी की ड्यूटी है मेरी तरफ तो ऑटोमेटिकली राइट भी साथ साथ चलेगा, ठीक जी है? बिल्कुल। द टर्म्स रॉन्ग एंड ड्यूटी आर क्लोजली कनेक्टेड विद राइट्स एंड इट इज डिजायरेबल टू रेफर टू देम बिफोर डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ लीगल राइट। ठीक है, देखें जी राइट्स का चैप्टर शुरू करने से पहले हमें रॉन्ग एंड ड्यूटी का भी कनेक्शन हमें पता होना चाहिए। अच्छा जी, प्रोफेसर ग्रे साहब कहते हैं कि दैट पावर विच अ मैन हैज टू मेक अ पर्सन और पर्सन डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग अ सर्टन एक्ट और सर्टन एक्ट्स सो फार एज द पावर अराइजेस फ्रॉम सोसाइटी इम्पोजेज अ लीगल ड्यूटी अपॉन अ पर्सन और पर्संस। मतलब ये कैसी ताकत है जिसके जरिए आप कोई काम करवा सकते हैं, ठीक है, ये किसी काम से बाज रख सकते हैं, और ये डायरेक्टली पावर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, आपको सोसाइटी से मिल रही है, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया पावर टू डू और रिफ्रेनिंग एंड अराइजिंग फ्रॉम सोसाइटी एंड इम्पोजिंग अ लीगल ड्यूटी। ठीक हो ठीक गया। है जी। मीनिंग ऑफ राइट, लिटरल मीनिंग एंड इंटरेस्ट। लीगल मीनिंग पावर टू डू और रिफ्रेनिंग एंड अराइजिंग फ्रॉम सोसाइटी एंड इम्पोजिंग लीगल ड्यूटी। क्लियर है आपको? जी क्लियर है। रेलिवेंट टर्म्स विद रिगार्ड टू राइट्स, रॉन्ग, अ रॉन्ग एक्ट, एन एक्ट कॉन्ट्रेरी टू द रूल ऑफ राइट एंड जस्टिस अकॉर्डिंग टू सामन, ड्यूटी, ड्यूटी इज द ऑब्लिगेटरी एक्ट। ठीक हो गया। अब इसकी जी बुनियाद क्या है? ओबाइजे साइबर मीडियम, ये लैटिन मैक्सिम है, कहावत है, जिसका मतलब है कि व्हेन देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। देखिए अगर राइट दिया गया ना तो उसकी वायलेशन के नतीजे में उसकी रेमेडी भी अवेलेबल होगी, ठीक है। ठीक जी। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट, मोरल राइट एंड लीगल राइट, डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट अकॉर्डिंग टू सामंत, राइट इज एन इंटरेस्ट रिकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय रूल ऑफ लॉ रिस्पेक्ट ऑफ विच देर इज अ ड्यूटी एंड डिसरिगार्ड ऑफ और डिसरिगार्ड ऑफ देर इज अ रॉन्ग। ठीक हो गया। जी अकॉर्डिंग टू पोलॉक राइट इज अ फ्रीडम अलाउड एंड पावर कन्फर्ड बाय लॉ। क्लियर है। जी क्लियर है। एसेंशियल्स ऑफ लीगल राइट, सब्जेक्ट ऑफ राइट इन होम राइट वेस्ट, मतलब जिसे हक दिया गया है, दे मस्ट बी अ पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द राइट, ही इज द सब्जेक्ट ऑफ लीगल राइट, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी ऑन होम ड्यूटी इसका मतलब लाइज ये अ क्या, लीगल, इसको अपने वर्ड्स में बोलेंगे आप जैसे पहले मेरा, वाला? मैं बताती हूँ, सब्जेक्ट ऑफ राइट का मतलब है कि जो हक इस्तेमाल कर सकता है, ठीक ठीक, जो ठीक ओनर है, ठीक ठीक है। है। सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी कौन है? जिसकी जिम्मेदारी है, ऑन होम ड्यूटी लाइज। अ लीगल राइट अक्रूज, एक लीगल राइट उस टाइम वाकया होता है, हैपन्ड होता है अगेंस्ट अनदर पर्सन और पर्संस हु आर अंडर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट दैट राइट। मतलब उस बंदे के ठीक खिलाफ ना, जब आपके एक राइट है तो ऑटोमेटिकली किसी और की ड्यूटी करिए, ठीक है। सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑफ राइट, थिंग ऑन विच इट इज एक्सरसाइज। अब जैसे कि कहते हैं कि मोबाइल है, इस पर मैं अपना हक इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ राइट है, ठीक है। ठीक हो गया। दिस मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टेंट्स ऑफ राइट, ऑब्लाइजेस द पर्सन टू डू एन एक्ट और मिशन इन फेवर ऑफ अदर पर्सन सो एंटाइटल्ड। अब ये आपको बताती है क्या काम आप कर सकते हैं और किन कामों से आप दूसरों को बाज रख सकते हैं, ठीक ठीक हो है। गया सही। उसके बाद है टाइटल ऑफ राइट, सर्टन फैक्ट्स और इवेंट्स बाय रीजन ऑफ विच सच राइट बिकम्स वेस्टेड, फैक्ट्स मस्ट शो हाउ राइट वेस्टेड इन द ओनर ऑफ द राइट। ये वो हालात तो वाकयात की निशानदही करते हैं जिसकी वजह से वो आपको हक मिला था, ठीक सही हो गया। जी अच्छा, जी अब क्या रिलेशन इन्वॉल्व है हर राइट के हवाले से? अगेंस्ट सम पर्सन्स, राइट टू सम एक्ट और मिशन ऑफ सच पर्सन और पर्सन्स, राइट ओवर समथिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ राइट। ये आपको क्लियर हुआ है? ये दोबारा से किसी के करना प्लीज। खिलाफ होगा, ठीक है, और ठीक
की वजह से आप कोई काम कर सकते हैं, किसी काम से बाज रख सकते हैं, और ये किसी चीज के हवाले से हक होता है. ठीक है, ठीक. अब हम इसकी काइंड्स देखते हैं, लीगल राइट्स की. परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट. परफेक्ट राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एज वेल एज प्रोटेक्टेड बाय लॉ. देखें, अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारे दरमियान हुआ, वह हर चीज़ मुकम्मल है, स्टैम्प्ड पेपर पे, ठीक है ना, थंब इम्प्रेशन सब कुछ ही है, तो वो आपका एक परफेक्ट राइट है, उसको मानना पड़ेगा. इलस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली इन्फोर्सेबल थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट राइट. ठीक है. इम्परफेक्ट राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ बट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द लॉ. अब जैसे कि मेरे पास एग्रीमेंट तो मौजूद है लेकिन गवाहान अपीयर नहीं हो रहे, ये कोई चीज लैग कर रही है, रिकॉग्नाइज तो कर रहा है लेकिन इन्फोर्स नहीं किया जा सकता. ठीक है, क्योंकि उसका कोई इंग्रेडिएंट नहीं होगा. हाँ, इंग्रेडिएंट मिसिंग है. ठीक, डेफिशिएंसी आ रही है. अच्छा, उसके बाद है पॉजिटिव राइट एंड नेगेटिव राइट. पॉजिटिव राइट्स आर दोज राइट्स अपॉन पर्सन्स ड्यूटी हु इज बॉर्न टू डू समथिंग. ठीक है, अब ये आपने पैसे लिए, मैंने कहा पैसे दो, तो ये मेरा पॉजिटिव राइट है, आपने ही करना है. ठीक है, एग्जाम्पल ए बोरोस मनी फ्रॉम बी, इट इज द राइट ऑफ बी दैट ए गिव मनी बैक टू बी. ठीक है, अच्छा जी. उसके बाद है नेगेटिव राइट्स. नेगेटिव राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर कॉरेस्पॉन्ड्स टू द नेगेटिव ड्यूटी. आपने यहाँ पर मुदाखलत नहीं करनी, आप आगे नहीं आ सकती, ये नेगेटिव राइट. ठीक है, उसके बाद है राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सोनम. राइट इन रैम का मतलब होता है जो पूरी दुनिया के खिलाफ आपके पास राइट अवेलेबल होता है, जैसे कि मेरा घर है. अब सबको मानना पड़ेगा. राइट इन पर्सोनम ये है कि जैसे आपका और मेरे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो मैंने अगर वायलेशन की है तो आप मेरे खिलाफ उसको इन्फोर्स करवा सकती हैं, तो ये राइट इन पर्सोनम होगा. ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है. राइट इन रैम आर दोज राइट्स व्हिच आर अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. एग्जांपल, राइट्स ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन. राइट इन पर्सोनम आर दोज राइट्स व्हिच आर अवेलेबल अगेंस्ट. ठीक है, एग्जांपल, ए हैज अ पर्सनल राइट टू रिसीव कॉम्पनसेशन फ्रॉम एनी इंडिविजुअल. ठीक हो गया, ठीक. उसके बाद है प्रोप्राइटरी एंड पर्सनल राइट्स. प्रोप्राइटरी राइट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, जायदाद वगैरह. These are the rights a person includes his estate, his assets and his property. Example, the right to goodwill, right of loan, etc. Personal rights आपकी हद तक होते हैं, जैसे कि fundamental rights हैं आपके, आपकी जिंदगी का हक, आपकी reputation का हक, सिर्फ आप तक हैं. ठीक है, ठीक. These are the rights which are available only against the particular person. Example, right to life, reputation, etc. are personal rights. ठीक है, जी सही होगा. The inheritable and uninheritable rights. Inheritable जो आगे विरासती इंतकाल होता है, transferable है. These are the rights of the legal heirs of the owner. ठीक है, अच्छा जी. Example क्या है, A dies, leaves his property behind him. B, his legal heir becomes owner of such property. This is an inheritable right. ठीक है, उसके बाद uninheritable मतलब non-transferable. जैसे personal right है, आपकी तक रहेंगे, जब वफात हो जाएगी उसके बाद right भी खत्म. These are the rights which does not transfer to the legal heirs of the owner. Example, personal rights die with its owner and cannot be inherited. ठीक हो गया. Rights in re-property and right in re-aligner. Re-property का मतलब है जो आपके अपनी property पे हक है. आप चाहे फसल उगाएं, आप farming करें, कुछ भी करें, ये right in re-property है. Example, the owner of chattel has a right in re-property over it. राइट इन रियल आइना किसी और की प्रॉपर्टी पे हक इस्तेमाल करने को कहते हैं. राइट ऑफ वे अक्रॉस द लैंड ऑफ अनदर पर्सन इज राइट रियल आइना. ये जैसे टेनेंसी का है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी जो क्रॉस नहीं करते अपनी लिमिट्स को. हाँ जी, क्या आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते, किसी का वायलेट नहीं करते स्पेस? राइट इन रियल आइना बेसिकली ये होता है कि जैसे एक लॉ है ईजमेंट्री का, उसमें ये होता है कि जैसे काफी अरसे से एक रास्ते से गुजर रहे हैं, वहीं से पानी लेते हैं, वहीं से आपका गुजरा है, तो वो आपका एक राइट क्रिएट हो जाता है. ठीक है, तो वो एक अलहदा से लॉ है. मेरा ख्याल से वो आपने पढ़ना भी नहीं है, इसमें नहीं है, आपके इंक्लूडेड नहीं है, वो गाँव की साइड होता है. प्रिंसिपल एंड एसेसरी राइट्स. प्रिंसिपल राइट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर ऑफ अदर राइट्स. अपनी इसकी बजाते खुद हैसियत होती है. ठीक है, असेसरी राइट्स जो साथ साथ चलते हैं. असेसरी राइट्स आर अपर्टिनेंट, मतलब जो जुड़े होते हैं, कनेक्टेड टू अदर राइट्स एंड दे हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द प्रिंसिपल्स राइट्स. ठीक है, ठीक है जी. इसका क्या एग्जांपल होगा? एग्जांपल ये कि जैसे कि
मैंने एक जगह खरीदी है आपसे, ये मेरा एक इंडिपेंडेंट एक राइट है, ठीक है, लेकिन अगर वॉयलेशन करती हैं तो उसके एवज में फिर रेमेडी भी मैं ले सकती हूँ, तो वो असेसरी राइट्स हैं, ठीक है, ठीक सही है। लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स, लीगल लीगल राइट्स आर राइट्स रिकॉग्नाइज बाय कॉमन लॉ कोर्ट्स, इक्विटेबल राइट्स आर राइट्स रिकॉग्नाइज बाय द कोर्ट ऑफ चांसरी, राइट्स विच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। अच्छा, 15 सदी जब आगाज हुआ था ना, तो बरतानिया में इक्विटेबल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई थी, जो मसावात की बुनियाद पर हकूक दिया करती थी। तो जी ये इक्विटेबल राइट्स के वाले से कहा जाता है कि जो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक जो भी हक आपका बनता है उनको हम इक्विटेबल राइट्स में शुमार करते हैं, ठीक ठीक है। है जी। उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट्स, प्राइमरी राइट्स आर द फंडामेंटल राइट्स, एग्जाम्पल राइट्स ऑफ रेपुटेशन, राइट टू लाइफ एक्सेट्रा। सेकेंडरी राइट्स आर द रिमेडियल राइट्स, एग्जाम्पल राइट्स टू ऑब्टेन कॉम्पनसेशन फॉर डेफामेशन टू पर्सन, क्लियर है। जी क्लियर। वेस्टेड एंड कंटिंजेंट राइट्स, वेस्टेड होता है कि जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई, मैंने सेलिंग मतलब बाय कर लिया आपकी प्रॉपर्टी, तो मुकम्मल हो गया राइट। कंटिंजेंट राइट जैसे होता है कि अभी फर्दर कोई कंडीशन बाकी है, मैं पैसे पूरे दूंगी तो पूरे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। सही, तो ठीक कंटिंजेंट विच इज बेस्ड ऑन द कंडीशंस। ठीक हो गया। वेस्टेड राइट्स आर राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल इवेंट्स नेसेसरी टू वेस्ट इट कम्प्लीटली इन द ओनर हैव हैपन, नो अदर कंडीशन रिमेन्स टू बी सेटिस्फाइड। इन केस ऑफ कंटिंजेंट राइट्स ओनली सम ऑफ द इवेंट्स नेसेसरी टू वेस्ट द राइट इन द कंटिंजेंट ओनर हैव हैपन, क्लियर है आपको। ये अपने प्लीज बता दें वर्ड्स। देखिए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ना सर्टन कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी होता है उस राइट को एब्सोल्यूट करने के, मतलब अगर तुम ये करोगे तो ही तुम्हें ये हक मिलेगा, ठीक है, ठीक क्लियर है आपको। जी जी क्लियर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, एक मिनट ये कर लेते हैं, बहुत आसान है। अच्छा जी, नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के, इंसाफ के निज़ाम की क्यों ज़रूरत महसूस हुई और ये किस तरह से प्रोग्रेस हुआ, ठीक है। ठीक इंट्रोडक्शन, वॉर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आर टू मोस्ट असेंशियल फंक्शन ऑफ अ स्टेट, इफ अ स्टेट इज इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दीज टू फंक्शंस इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ स्टेट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द मेंटेनेंस ऑफ राइट विद इन अ पोलिटिकल कम्युनिटी ऑफ द फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट, ये क्लियर हुआ आपको। देखे ना, जी रियासत सही मायनों में उसी टाइम रियासत कहलाएगी जब वो अपना दफा करना जानती है और इंसाफ फराहम करना जानती है, ठीक है। तो ठीक जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात की जाती है, हकूक का तहफ्फुज़ है जिसमें सियासी लिहाज से रियासत अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जी मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एन एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल पावर इज अपहोल्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ राइट, ये आपको क्लियर है। अदालती जी अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए हकूक की का तहफ्फुज़ किया जाता है, ठीक ठीक सही है। हो जी डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू सामन, मेंटेनेंस ऑफ राइट विद इन अ पोलिटिकल कम्युनिटी बाय मीन्स ऑफ फिजिकल फोर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। जी अकॉर्डिंग टू जॉर्ज वॉशिंगटन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द फर्मेस्ट पिलर ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर है। ये जो है इसकी एग्जांपल जो है अकॉर्डिंग टू सामंट, ये दोबारा से बता दें ये डेफिनेशन ऑफ अच्छा, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन। आता है, एक तो हकूक का तहफ्फुज़ किया जाता है, एक ठीक पॉलिटिकली कम्युनिटी डेवलप की जाती है और उसमें रियासत अपने अख्तियार का इस्तेमाल करती है, ठीक ठीक है है। अच्छा जी, काइंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ओरिजिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज आइडेंटिकल विद द ग्रोथ ऑफ मैन, हाउ एवर इट्स ओरिजिन हैज बीन डिवाइडेड इन टू 3 स्टेजेस। तो जैसे जैसे इंसान की तरक्की होती है वैसे भी इंसाफ का निज़ाम बढ़ा है, तो इसे तीन अदवार में क्लासिफाई किया जाता है। स्टेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फर्स्ट स्टेज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प, सेकेंड स्टेज राइज ऑफ पॉलिटिकल स्टेट, थर्ड स्टेज एक्ट ऑफ स्टेट एज जज, ठीक हो गया। फर्स्ट जी स्टेज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प, टू बिगिन एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू हेल्प हिमसेल्फ टू पनिश दी रॉन्ग डूअर, अपनी मदद आपका था उसमें तो सब खुद सही ही करो, खुद ही इंतकाम लो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट स्टेज, पर्सनल वेंजियंस वॉज अलाउड, माइट वॉज राइट, एवरी मैन वॉज जज इन हिज ओन कॉज,
देयर वर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, ब्लड फ्यूड्स वर कॉमन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ये क्लियर है आपको? जी क्लियर. सेकेंड स्टेज, राइज ऑफ पोलिटिकल स्टेजेस. द सेकेंड स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस स्टार्टेड विद द राइज ऑफ पोलिटिकल स्टेट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड स्टेज, पोलिटिकल स्टेट्स स्टार्टेड इमर्जिंग. States were not strong enough to punish the criminal. The states merely regulated private vengeance. The state enforced the concept of tooth for tooth, eye for eye, life for life. Clear? जी सही हो गया. Third stage, act of states as judge. In the third stage, in the history of administration of justice, state started to act as a judge. Characteristic of third stage, state started to act as judge. State assess liabilities and impose penalty. It was no longer to regulate of private vengeance. The civil law and criminal civil law and civil administration of justice held the aggrieved person for substitute of violent. It substitute public equity and punishment for private vengeance. ये clear हुआ कि फिर रियासत खुद सामने आई है कि अब हम आपको इंसाफ फराहम करेंगे, जो गलत काम करेगा उसको पेनल्टी इम्पोज की जाएगी. ये जो नंबर डी है, डी में ये कहा गया कि सिविल लॉ आपको फिर ये बताता है कि जो वायलेशन हुई है उसके नतीजे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर आपको कैसे हेल्प आउट किया जा सकता है. ठीक है, सही. ठीक हो गया. नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू हॉब्स, विदाउट द पावर टू कीप मैन यू इट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन टू लिव इन सोसाइटी. जब तक फियर क्रिएट नहीं किया जाएगा ना, ताकत में भी एक फियर का एलिमेंट होना जरूरी है, वरना इम्पॉसिबल है कि एक सोसाइटी के तौर पर लोगों को इकट्ठा रखा जाए. ठीक है, ठीक है जी. Reasons for administration of justice, necessity for uniformity, necessity for the protection of life, necessity for peace and stability, necessity for integration of society, necessity for smooth running of state, necessity to avoid anarchy. यहाँ तक clear है? जी clear है. Necessity to avoid lawlessness. ये एक-एक line में आपने interpret भी करना है इसे. Necessity to educate people, necessity for promotion of justice and fair play, necessity to promote welfare, necessity to bring consistency in law, to promote equity, to regulate conduct of citizen, to ensure impartiality and equity, to punish the offender, to prevent the society from criminal, to provide satisfaction to victim. आप अगली लाइन पे बेशक ले सकते हैं, इसकी डायग्राम भी बना सकती हैं. सही है जी. मजीद अगर लगे तो आप इसको थोड़ा और मजीद एक्सप्लेन कर दें. ठीक है जी. हाँ जी. काफी और करना है आपने? काफी है आज के लिए. मैं दोनों को रिवाइज कर लूंगी इंशाल्लाह. मैं अभी आपको इसकी ना मेल भी भेजती.